खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तीन खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। रिटायर्ड जनरल उबान साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर भास्कर हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया हैं। और आपको ये बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम जेंटलमैन। सबसे पहले डॉक्टर भास्कर, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। ये जब ट्रंप कहते हैं, दुनिया के सामने कहते हैं कि रीजनेबली अट्रैक्टिव खबर आ रही है, इसके क्या माने हैं? क्या बैक चैनल बातचीत हो रही है? ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो, उन्होंने दोनों तरफ से बात की है, इंडिया और पाकिस्तान के लीडरशिप से। और उस बातचीत के दौरान उन्होंने शायद असेसमेंट किया है कि दोनों साइड में कोई ज़्यादा इंटेंशन नहीं है फर्दर एस्केलेशन के लिए, क्योंकि जहाँ तक सिचुएशन है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है। एयर एसेट्स दोनों साइड से इन्वॉल्व हुए हैं और हमारी साइड में जो अटैक था मिलिट्री एसेट्स पे वो फॉइल हो गया, कोई अटैक नहीं हुआ, उनका एक प्लेन लॉस हुआ है। तो उनकी तरफ से जो वो क्लेम कर रहे हैं, काफ़ी फॉल्स चीज़ें क्लेम कर रहे हैं। दो प्लेन गिरा दिया गया, डेमोन्स्ट्रेशन था बालाकोट में। ये सर, आप ये, मैं आपको इंटरप्ट करते हुए ये तस्वीर दिखाई देना चाहती हूँ। ये F-16 है जिसका जिक्र कल से किया जा रहा था ना पाकिस्तान की तरफ से, कि हमने दो जो विमान है वो मार गिराए हैं। ये बात लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, ये पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि उनका F-16 है जिसका मलबा पड़ा हुआ है POK में, ये हिंदुस्तान का विमान नहीं गिराया उन्होंने। देखिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ाई में जिसमें झूठ और प्रोपेगेंडा शामिल होता है, वो पाकिस्तान तो और मुल्कों से ज्यादा करता रहा है। ये मलबा जो नजर आ रहा है, एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स ने भी बताया है कि F-16 का मलबा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे MiG-21 जो कि फेज आउट हो रहे हैं, बहुत पुराना हवाई जहाज है, उसने अगर एक F-16 जैसे मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिकली बेहतर एयरक्राफ्ट को गिराया है, तो ये हमारे एयरफोर्स के पायलट्स का हुनर, उनकी ट्रेनिंग और उनकी मोटिवेशन का नतीजा है, वो बधाई के पात्र हैं। ये पहला मौका नहीं है। 1965 की लड़ाई में भी जब पाकिस्तान की तरफ से F-104 स्टार फाइटर था, जो कि एक तेज भी था हमारे हवाई जहाजों से और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी था, हमारे पास नेट थे, लेकिन फिर भी हमने हवाई लड़ाई जीती थी। इससे क्योंकि हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग, उनका हुनर, उनका स्किल, उनकी मोटिवेशन पाकिस्तान से ज़्यादा थी। इससे यही बात सिद्ध होती है जो हमेशा हम कहते हैं कि लड़ाई जीतने के लिए गने नहीं जीतते हैं, जो गन के पीछे आदमी होता है वो जीतता है। तो एयरफोर्स बढ़ाई के पात्र हैं। हमने देखना है कि पाकिस्तान ने जो अभी तक किया है, जो कर सकता है। मेरे ख्याल से इस मसले पर किसी ने सच में नहीं ध्यान दिया होगा कि आप सोचिए, F-16 को हमारा MiG-21 बाइसन जो कि फेज आउट हो रहा है, वो कैसे भगाने में कामयाब हो जाता है, खदेड़ने में कामयाब हो जाता है। इट इज द पर्सन हु इज फ्लाइंग और उन्हीं पायलट वापस आने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा है। सलामती की दुआएं का दौर जो है वो जारी है। जनरल उबान, मैं आपके पास आना चाहती हूं। सर, मुझे ये बताइए कि अब तक जितनी भी खबर आई है और अब तक जितना भी माहौल 14 फरवरी से बाद तक दिखा है आपको, आगे की स्थिति क्या नजर आ रही है? वो तस्वीर, वो पिक्चर क्या है? वहां पाकिस्तान में तो आज भी एयरपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ तो सब सुचारू है, सब एकदम सामान्य तौर पर चल रहा है। इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा है, उन्होंने हमारी क्षमता देख ली है, उन्होंने देखा है कि हम, अगर वो हमारे पर कोई ना कोई हमला करेंगे तो उसका अवश्य जवाब मिलेगा। बालाकोट में हमने उनका काफ़ी नुकसान कर दिया है, उसके मुकाबले में हमारे इलाके में उन्होंने आने की कोशिश की, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करने की कोशिश की, उसको भी नाकाम कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पायलट पकड़ा गया, लेकिन वो जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक उनको छोड़ना ही पड़ेगा उनको। तो मैं सिर्फ ये इस दौर पे कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी खबर है कि आगे एस्केलेशन नहीं होगा। लेकिन एक बात हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये शुरू कैसे हुआ।
शुरू इसलिए हुआ कि इतनी देर से, इतनी सालों से हम इनका गलत व्यवहार पाकिस्तान का सह रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि दरअसल जो पहले बताया जा रहा था कि सेना के दो अंगों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तीनों सेना प्रमुख इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, यानी जल, वायु और थल तीनों सेना के अध्यक्ष होंगे। पाकिस्तान को लेकर शाम 5 बजे बड़ा खुलासा संभव है। 5 बजे का वक्त जब यह ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख इसमें मौजूद होंगे। वायुसेना, नौसेना, थल सेना की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ऐसे में जाहिर तौर पर यह देखना अहम होगा आखिर क्या यहां से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है। सीधा रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत का। नीरज जी, पूरा का पूरा भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान स्थिति और तनाव किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, जहां ट्रंप अपने ही अंदाज में एक रिश्योरेंस दे रहे हैं कि अच्छी खबर आने वाली है और आज सेना के तीनों अंग के बड़े बड़े अधिकारी शाम 5 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नीरज बिल्कुल नेहा, इसमें दो मुख्य बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि जो एक तो 5 बजे जो शाम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें जो DGMO है भारत के, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी यानी कि एडिशनल DGMO, भारतीय वायुसेना के अधिकारी और नौसेना के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे इस इंटीग्रेटेड प्रेस ब्रीफिंग में। और इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है वो मसूद अजहर को किस तरह से संरक्षण देती है, उसको पालती है, उसको और किस तरह से उकसाती है भारत के खिलाफ टेररिस्ट अटैक्स करने के लिए। दूसरी बात इसमें बताया जाएगा कि बुधवार को किस तरह से जो पाकिस्तानी वायुसेना है, उनके फाइटर जेट्स हैं, F-16 हैं, उन्होंने कैसे एयर स्पेस का उल्लंघन किया और किस तरह से भारत के जो सैन्य अड्डे हैं, ठिकाने हैं नौशेरा में, LOC के करीब, उन पर हमला करने की कोशिश की गई। तीसरी बात जो इसमें बताई जाएगी वो ये बताया जाएगा कि किस तरह से जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करके पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान ने जो विंग कमांडर हैं भारत के, उनके साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार किया ये बताया जाएगा। साथ ही अगर हम अमेरिका की बात करें तो पाकिस्तान मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ये बात प्रूव हो गई कि जो F-16 विमान था वो पाकिस्तान का भारत की सीमा में आया था, भारत के जो सैन्य अड्डे हैं उन पर हमला करने के लिए, उसमें पाकिस्तान मुश्किल में फंस सकता है नेहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये F-16 विमान खरीदे थे अमेरिका से, इस शर्त पर खरीदे थे कि वो इनका इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ करेगा, जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो आतंकवाद है, तालिबान है, उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं करेगा। इसीलिए कल से पाकिस्तान जो है इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है कि उसका F-16 विमान मार गिराया गया है और जो वो भारत की सीमा में घुसा था। तो ये दो मुख्य बिंदु होंगे जिन पर पूरी दुनिया की नजर लगी होगी। बिल्कुल नीरज जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरह से मसूद अजहर को संरक्षण देने से लेकर के कैसे F-16 विमान पाकिस्तान का हमारी एयर स्पेस का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, जिनेवा कन्वेंशन के तहत कैसे हमारे पायलट के साथ बदसलूकी पाकिस्तान की तरफ से की गई, ये तमाम चीजें जो हैं इन्हें आज साझा किया जा सकता है सेना के तीनों अंगों की बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो अब से कुछ घंटे बाद शाम 5 बजे होगी। यहाँ लगातार मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। पूरा देश इस वक्त ये जानना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है उसमें भारत की स्ट्रैटेजी किस तरह की रहने वाली है, इस तनाव का अंत कब होगा और सबसे बड़ी बात जो पायलट हमारे पाकिस्तान में, सकुशल भारत कैसे लाए जाएंगे। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद है और भास्कर बालकृष्णन साहब, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ है। सबसे पहले भास्कर बालकृष्णन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शाम 5 बजे, इसमें जो लगातार बड़े खुलासे की बात हो रही है, सर आपको क्या लग रहा है ये बड़ा खुलासा क्या हो सकता है? अभी तो ये मुश्किल है, लेकिन हमारी जो अपेक्षा है कि जो स्ट्राइक हुई है बालाकोट और दो और जगह पे, उसका डैमेज असेसमेंट प्रेजेंट किया जाए इसकी, क्योंकि ये जो गलत खबर फैली जा रही है कि वहाँ पे कुछ कोई नहीं था, बालाकोट कैंप एवैक्यूएट खाली पड़ा था, तो ये इस और ये इसको हम काउंटर करना चाहिए, हमें काउंटर करना चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा। और नॉर्मली ऑपरेशन 2-3 दिन या 1 हफ्ते के बाद डैमेज असेसमेंट का पूरा डिटेल्स आते हैं, वो प्रेजेंट किया जाता है। और ये पहली बार है कि आर्मी की तरफ, मिलिट्री की तरफ से ब्रीफिंग हो रही है। पहले तो फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग थी, वो ऑपरेशंस के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो डिप्लोमेटिक साइड पे
बातचीत की। अब इस बार जो मिलिट्री की साइड्स है वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करेंगे, तो देखना चाहिए कि क्या होता है। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि डैमेज असेसमेंट जो है उसकी एक तस्वीर दिखाई जा सकती है, क्योंकि बालाकोट में इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई भारतीय वायुसेना की तरफ से हुई है, इस बात से लगातार पाकिस्तान इनकार करता रहा है, वो नहीं चाहता उसकी फजीहत हो, उसको लेकर कुछ सबूत कुछ बातें आज पब्लिक डोमेन में रखी जा सकती है। मेजर जनरल संजय सोई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक बात जो यहाँ पर नीरज राजपूत ने कही बेहद अहम, पाकिस्तान कल से ही डिनाई कर रहा है कि उसकी तरफ से F-16 विमानों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भारत कह रहा है कि हमारी एयर स्पेस का उल्लंघन करके वो अंदर आने की कोशिश हुई और उस समय उन्हें मार गिराया गया, पीछे खदेड़ा गया। आज क्या इस बाबत भी कुछ जानकारी सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आ सकती है, क्योंकि जैसा नीरज बता रहे थे उसके बाद पाकिस्तान मुसीबत में फंस सकता है, अमेरिका पाकिस्तान को ग्रिल कर सकता है इस F-16 के इशू पर। ऐसा है कि पाकिस्तान जब से पुलवामा का अटैक हुआ है तब से झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, एक के बाद एक झूठ। उन्होंने बोला कि हमने जो एयर स्ट्राइक किया है वहाँ पर कुछ डैमेज नहीं हुआ, उन्होंने बोला F-16 का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके अभी हमको गिरे हुए पुर्जे नज़र आ रहे हैं, जिसकी फोटो का प्रूफ आजकल हमारे पास है। उन्होंने कल सुबह बोला कि 2 पायलट पकड़े हैं, इतना उनको पता नहीं, शाम को कह रहे हो 1 पायलट पकड़ा है। एक अजीब तरह से हड़कंप उनके यहाँ मचा हुआ है, उनको खुद अपनी खबर ठीक तरीके से पता नहीं है और झूठ पर झूठ है। शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा और पाकिस्तान को जो इंटरनेशनली हमारी घेरने की तैयारी है उस दिशा में ये बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि एक्शन में है भारत और कांप रहा है इस वक्त पाकिस्तान।